बना। आज तू नहीं बचेगा, रुक जा। अप्पा ये देखो, पता नहीं ये क्या चीज है। अरे अकल के फिसड्डी, वो डायनासोर की हड्डी है। ये डायनासोर डायन का बड़ा भाई होता है। रुक जा, आज तू बच नहीं पाएगा, जितना भागना उतना भाग ले। अरे हाथ से फिर निकल गया, लगता है दूध की जगह पेट्रोल पी के बड़ा हुआ था। अरे खरगोश, अब तू देख मेरा निशाना। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। अच्छा तो ये डायनासोर की हड्डी है। मैं अभी आया। तो चैन क्या डायनासोर से पंजा लड़ाएगा? चैन कुली की, चैन कुली की, चैन। अरे या तो डायनासोर की हड्डियों की बरसात हो गई। अगर कोई शिकार किया होता तो केले का डिनर नहीं करना पड़ता। अब झेलो केलों को। ओ तो चिंता मत कर, मैंने अपने हथियार की धार को कर लिया है चकाचक। इसे शिकार करूंगा मैं कल सटा साट। अप्पा। अरे क्या हुआ? देखो मैंने डायनासोर की हड्डी पसली एक करके पूरा डायनासोर बना दिया। बेटा काश हड्डियों के साथ इसका पूरा शरीर भी होता। सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है, पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने फिर से सपनों का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया। कम से कम सपने तो अपने साइज के देखा करो, वरना किसी दिन सपने भी भूख हड़ताल कर देंगे। चलो अब सब अंदर आके खाना खा लो, मजा आएगा। मैं भी अगर मैं गया तो ये डायनासोर चकनाचूर हो जाएगा। कोशिश करता हूँ, कोई फायदा नहीं, मुझे इसकी टांग बनकर यही खड़े रहना पड़ेगा। ओ सॉरी, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। ठीक है, लो कर लो बात। अगर ये डायनासोर जिंदा होता तो हमसे दोस्ती कर लेता। अगर ये डायनासोर जिंदा होता तो मैं कल ही से पकड़ लेता, और वो भी अकेले। पहले खाओ केले। अगर डायनासोर जिंदा होता तो तुम्हारी बातें सुनकर वैसे ही मर जाता। हमेशा तुम मेरी हंसी क्यों उड़ाती हो? रात बहुत हो गई है, गॉन तोते चैन, चलो आके सो जाओ। अगर हम डायनासोर को जिंदा पकड़ पाते तो हमारे बारे न्यारे हो जाते। मैंने कोई सपना देखा था या मैं सच में रॉकर बन गया था? बहुत जोर की लगी है। हाँ तुम चल नहीं सकते। इस हड्डी की जरूरत है। खींचो, आराम से खींचना, कहीं अप्पा जाग ना जाए। संभल के धीरे से। ये अपनी सही जगह पर फिट हो गई। अब ठीक है ना मिस्टर डायनासोर? अब तुम अच्छी तरह चल सकते हो। देखा गोंड का कमाल। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह, चलो डायनासोर मुझे उस तारे के पास ले चलो। वाह वाह,
उल्टा लग रहा है सब कुछ। वाह, थोड़ा और ऊपर ले चलो उस चमकते तारे के पास। पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। अरे मेरा तकिया कहाँ चला गया? आजकल ये तकियों के भी पैर निकल आए हैं। पता नहीं कहाँ नाइट वॉक पे चला गया है। गॉन, जल्दी से बाहर आओ, डायनासोर दिखाई नहीं दे रहा है, लगता वो चला गया यहाँ से। अप्पा क्यों बेवक के अलार्म की तरह चिल्ला रहे हैं? अरे डायनासोर कहाँ चला गया? उसकी हड्डियों की जगह तो मेरा भाला पड़ा है यहाँ पे बस। ये आवाज कैसे आ रही है? अप्पा, डायनासोर सितारों में कितना अच्छा लगता है। डाकिया डाक लाया। थोड़ा सा आगे, नहीं नहीं थोड़ा सा पीछे, आगे आगे आगे, पीछे पीछे पीछे। अरे तुम तो ब्रेक डांस कर रहे हो, जरा संभल कर, मुझे गिराओगी क्या? गिरा। अरे लगता है अप्पा के पैरों के ब्रेक फेल हो गए। वहाँ पर मैंने बहुत बड़ा देखा, तुम भी देखने चलो, आओ मेरे साथ। अप्पा की जबान गले में भागना क्यों कर रही है? गॉन, तोते चैन, कहाँ गए दोनों? थोड़ा जोर लगा के लगे दम। मजा आ गया, क्या बात है अप्पा, आज आपने छप्पर फाड़ शिकार किया है, अम्मा शिकार को देखकर खुश हो जाएगी। ये तो शुरुआत है पुत्तर, अपनी एक्स्ट्रा लार्ज मूछों की कसम, अब तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा कि उसकी शादी किस दमदार मत से हुई है। जमीन फिसलन भरी थी या मेरा दम जल्दी निकल गया? अम्मा देखो हम कितना बड़ा मैमथ लेके आए हैं। देखो देखो। अरे वाह, आज मेरी खुशियों की बैटरी रिचार्ज हो गई, क्या बात है। अरे जरा ठहरो। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। गॉन तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। गॉन, तुम्हें ये भारी भरकम खत अपने दादाजी को देकर आना है। इसमें क्या लिखा है? वो बहुत पढ़ाकू है, पढ़ लेंगे इसे। चलो तोते चैन। चलो। कौन बेटा, संभल के जाना, मैं तुम्हारे लिए मेथी के पकोड़े बनाकर रखूंगी। ठीक है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, खाओगे मेथी तो बढ़ेगी हाइट। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सूरज अंकल तो अपने घर पे सोने चले गए। और क्यों? चलो अपना टॉर्च तैयार है। ये तो कमाल की चलने फिरने वाली टॉर्च है। लेफ्ट राइट पीछे पीछे हम, आगे आगे लाइट। लेफ्ट राइट अरे ये क्या भाग रहे हैं? लगता है लाइट मारकर देखना पड़ेगा। ये तो भेड़िया है। तोते चैन, तुम्हें भेड़ियों से डर तो नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं लगता। तो ठीक है, अब हम इन भेड़ियों का धूम पिचक धूम कर सकते हैं। ये ले,
मैंने चिट्ठी तोड़ दी है। अब तो तू गया। ये क्या? चचुंदर आया, भागो! बचाओ, मुझे ऐसा बचाओ! तुम बड़े अजीब हो तोते चैट। भेड़ियों से डर नहीं लगा, लेकिन उस पिद्दी से जानवर को देखकर तुम्हारी हवा निकल गई। तोते चैट, चलो उसके अंदर चलते हैं। चलो। तू कहाँ रहा है? देखो, अब वो हमारे नजदीक भी नहीं आ सकते। ये चचुंदर का बच्चा कहाँ से आ गया? लगता है ये आज हमारा कीमा फ्राई बनाकर खा जाएंगे। भागो यहाँ से। जब देखो परेशान करने चले आते हैं। अरे बड़े अप्पा जी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो गॉन? मैं यहाँ आपके लिए अप्पा की चिट्ठी लेकर आया था, लेकिन उन भेड़ियों ने चिट्ठी को तोड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। हमारे चंपू ने क्या लिखा है? अभी पढ़ता हूँ। इसका मतलब है उसने हमें खाने की दावत पर बुलाया है। तुम क्या कहती हो मेरे चंपू की अम्मी? खाना तो हमने खा लिया है, पर चलने में कोई बुराई नहीं है। अब चल रहे हैं ना? अब गॉन भी कह रहा है तो चलते हैं। हाँ, और इस बहाने में बहू से अपनी सेवा भी करवा लूंगी। अगर ऐसा है तो चलो अभी चल पड़ते हैं। तुम्हारा मतलब मैं इन पुराने कपड़ों में चलूं? तो क्या 16 सिंगार करके चलोगी? बेकार की बातें मत करो। भले ही मेरी उम्र 55 की है, लेकिन मेरा दिल अभी भी 55 का है। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे ही चलोगी। फुटो जैसी बातें मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं नए कपड़े पहनूंगी। तुम यही पहन कर चलोगी? अरे नहीं, आप दोनों लड़ो नहीं। बड़े अम्मा जी, बड़ी अम्मा जी, रुकिए रुकिए, सुनिए तो। ऐसा मत लड़िए, प्लीज ऐसा मत लड़िए। रुकिए रुकिए, लड़िए मत, रुकिए मत लड़िए। तो अब तुम ही इनकी लड़ाई को रोको। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी डांसिंग लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। रुक जाओ, रुक जाओ। चलो अब चलते हैं, काफी लड़ लिया हम दोनों, अब भूख भी अच्छी लग गई। हाँ, कपड़े तो एक बहाना था, हम तो लड़ाई को सूप की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें भूख ज्यादा लगे। तो क्या आप दोनों इसलिए लड़ रहे थे ताकि आप दोनों को तेज भूख लगने लगी? और नहीं तो क्या। चलो अब जल्दी से चलते हैं। गॉन ने चार उल्लुओं की हेडलाइट जला के काफी रोशनी कर दी है, वरना अंधेरे में टोमेटो सूप और मेथी के सूप में कोई फर्क नजर नहीं आता। चोरों ने मचाया शोर। सब गधे घोड़े बीत कर सो रहे हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। तगड़ा माल हाथ लगा, इसलिए दम लगाना पड़ेगा। लेकिन जल्दी करो। अब क्या करें? थोड़ा सा जोर लगाओ, अपना काम बन जाएगा। कौन है? अरे भागो यहाँ से! शायद कोई बुरा सपना देखा मैंने। हाँ, सपने में भी लोग चोरी करते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे करना ठीक है?
ठीक है ठीक है, तुम तो जानती हो कि मैं इस इलाके का वर्ल्ड फेमस शिकारी हूँ, इसलिए तुम टेंशन को लेने भेज दो पेंशन, मैं शाम तक खाने के लिए बढ़िया चीज ले आता हूँ। तुम्हारी याददाश्त को जंग लग गया है, हमारे पास मेहमत का सिर्फ यही टुकड़ा बचा है। याद है, पर तुम्हें पता है ना, मैंने अपने अप्पा से वादा किया था कि हम उन्हें बचा हुआ मेहमत भिजवा देंगे, इसलिए तुम फटाफट उसकी होम डिलीवरी करके सटासट वापस आ जाओ, और अकेले मत जाना, तोते जन को साथ में ले जाओ। अच्छा ठीक है, अगर मैं चली जाऊँ तो तुम खाना बनाकर घर की देखभाल अच्छी तरह कर लोगे ना? हाँ। बेटा कौन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने अप्पा के साथ घर का पूरा ख्याल रखोगे ना? हाँ अम्मा। चलो चलें, हमें शाम तक घर वापस भी आना है। हाँ, चलते हैं। दौड़ के जाना और भाग के आना। हमारा माल हाथ से निकल गया, अब क्या होगा? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब हमें अपने दिमाग की बत्ती जलानी होगी। मेरा दिमाग खाली है। मेरे दिमाग का बल्ब बचपन से ही फ्यूज है। हैं? लेकिन मेरा दिमाग तो जनरेटर है। और रुक जा, मैं बत के बच्चे, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा, रुक जा। ओ, भाग जा, भाग जा मेहमत के अप्पा, मैं कह रहा हूँ भाग जा मेहमत के अप्पा। ओ, उड़ चला मैं उड़ चला, ओए भाग जा, ऐसा भी मेरा मूड नहीं है, जा। ए, तुम फिर आ गए, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो नहीं हूँ, बल्कि अकल का खर्चा पानी देने वाली कंपनी से आया हूँ। ओ जी, वेलकम वेलकम। तुम मुझे दावत दो ताकि तुम्हारी अकल का नेटवर्क कभी डाउन ना हो। मतलब तुम उसे अकल बांटने वाली कंपनी के एजेंट बनकर बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी अक्ल को ईमानदारी का वायरस लग गया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मुफ्त का माल उड़ाना है तो लोगों को बेवकूफ बनाना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारी पोल खुल जाएगी तो हमारा ढोल बच जाएगा? हमारी पोल खोलेगा कौन? चार्जिंग कंपनी के आदमी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ेंगे। अगर उसे पता चल भी गया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तुमने कभी दिखा है उसे? वो मैंने सुना है कि चार्जिंग कंपनी के आदमी की हाइट हमारी उम्मीद से दुगनी है और झूठ बोलने वालों की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फोटो खींच लेता है। उसकी आंखों में क्या कैमरा लगा है जो इतनी दूर से हमारी फोटो खींच लेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपने मुँह को एक्स्ट्रा लार्ज कर लेता है और झूठ बोलने वाले को बिना रस के गुल्ले की तरह चट कर सकता है। अगर उसने हमें चट कर लिया तो आजकल तुम लेट नाइट की खबरें बहुत देखने लगे हो जो ऐसी बातों पर यकीन करते हो। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ हैं? मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मैं तो चिकन टंगड़ी खाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा बकवास से पेट ना भरे तो मेरे साथ आना खाना खाने, समझ गए? ठीक है। अप्पा, आप इतनी खाने की चीजें क्यों लाए हैं? अम्मा नहीं तो आज पिकनिक मनाओगे? बेकार की बात मत करो, हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं। ये चीजें हम अकल बांटने वाले एजेंट के लिए लाए हैं ताकि हमारी अकल का नेटवर्क कभी भी डाउन ना हो। अच्छा, तो तुम आ गए? हाँ? तो यही है वो एजेंट? ये लीजिए भाई साहब, ये सारी चीजें आपके लिए है, आप तो बस हमारी अकल की बैटरी की वैलिडिटी बढ़ा दो। इन चीजों को हमें दे डाला, अब तुम्हारा नेटवर्क हो जाएगा झिंगा लाला। जी जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजा आ गया। वो वहाँ अकेला कितनी ऐश कर रहा है, हम दुकेले खाली पेट हैं। तुम्हारा नंबर भी जल्दी आ जाएगा, फिकर नॉट। ये एजेंट तो कुछ अजीब लग रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, आप क्या करोगे? हाँ, अब फ्री स्टाइल डांस दिखाकर हमारा दिल बहलाओ। क्या? सर नीचे झुका कर रखो और हमें जल्दी से डांस दिखाओ। जी जरूर, आपका हुक्म सर माथे पर। पहले दायां हाथ आगे, फिर बायां पैर पीछे, दायां हाथ आगे, बायां पैर। अगर तुम इसी तरह डांस करते रहे तो तुम्हें इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में बुलाया जाएगा। लगे रहो, क्या बात है? बायां पैर पीछे पीछे। ओए लड़के, जरा कंधा ठीक से दबा भाई। हाथ आगे, बायां पैर पीछे, दायां हाथ। बहुत अच्छे, कितने दिनों बाद ये बढ़िया डांस देखने को मिला है, क्या बात है? लगे रहो, वाह वाह, मजा आ गया। वो वहाँ डांस देख रहा है और यहाँ चूहे हमारे पेट में डांस कर रहे हैं। आखिर वो आ गया।
पीछे गया बताओ। अरे ये क्या, कंपनी का आदमी आ गया, भागो भागो। इस एजेंट को क्या हो गया? हाँ? अरे अम्मा आप देखो, मैं दादाजी के यहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। लेकिन ये बताओ, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?